सोलन में पानी के टैंक खाली पड़े हैं और उन खाली पड़े टैंकों में भाजपा और कांग्रेस सियासत करती नजर आ रही है। एक ओर जहां पानी की किल्लत को लेकर भाजपा के मनोनीत पार्षद भरत साहनी ने पत्रकार वार्ता कर इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को दी और कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में पानी को लेकर सकारात्मक कदम नहीं उठाए थे, यही वजह है कि सोलन शहर को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने स्थानीय विधायक धनीराम शांडिल पर आरोप लगाए कि वे सोलन के रेस्ट हाउस में सिर्फ आराम करके चले जाते हैं और कुछ नहीं करते। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर सोलन में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो वे न केवल उनका घेराव करेंगे बल्कि उनका सोलन आना निषेध कर देंगे। इस बयान पर कांग्रेस सुर्ख होती नजर आ रही है और कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा समर्थित सोलन नगर परिषद पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इसे भंग कर देना चाहिए। कांग्रेस जिला प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने मनोनीत पार्षद भरत साहनी को जवाब देते हुए कहा कि मनोनीत पार्षद जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों पर अपनी मर्यादाओं में रहकर टिप्पणी करें। मुकेश ने कहा कि सोलन को पानी उपलब्ध करवाना नगर परिषद का कार्य है और नगर परिषद भाजपा की है, जिसमें बैठे नगर परिषद अध्यक्ष की बजाय खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया काम कर रहे हैं, इसलिए नगर परिषद अध्यक्ष को हट जाना चाहिए और खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष को नगर परिषद के अध्यक्ष का प्रभार दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाक्रम से ये संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा समर्थित नगर परिषद पूरी तरह फेल हो चुकी है और यही कारण है कि अब नगर परिषद चलाने के लिए खादी बोर्ड के अध्यक्ष की जरूरत पड़ रही है। भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भरत साहनी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, मैं उसका पूरी तरह से खंडन करता हूं और उन्हें सलाह देता हूं कि वो मर्यादाओं में रहकर अपनी बातचीत प्रेस के माध्यम से करें, जनता के बीच में करें। बड़े दुख की बात है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को, जो यहां से विधायक है धनीराम शांडिल जी, उनके लिए वो गुंडागर्दी वाले शब्द यूज कर रहे हैं कि उनको सोलन में आना प्रतिबंधित करेंगे। उनसे पूछ रहे हैं कि 6 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं भरत साहनी जी को बताना चाहूंगा कि वो अपने चश्मे पे से धूल हटाएं और 463 करोड़ रुपए जो हमारे टाइम पे यहाँ पर धनराम शांडिल जी ने लगवाए थे उसके बारे में जानकारी लें। अब तो सरकार उनकी है, जो भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन्हें हमेशा मान सम्मान मिलना चाहिए और जो लोग नॉमिनेटेड होते हैं उन्हें अपनी मर्यादों में रहकर ही काम करना चाहिए। जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं जैसे पुरुषोत्तम गुलेरिया जी हैं, वो आजकल अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, बैठ रहे हैं, अच्छी बातें ले रहे हैं, बट नगर परिषद में जो भी वो मीटिंग्स ले रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि नगर परिषद में जो है बीजेपी की ही नगर परिषद है, अध्यक्ष भी इन्हीं के हैं, तो उन अध्यक्ष को हटाकर इन्हीं को ही बिठा देना चाहिए। नगर परिषद आज की तारीख में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इनका ये दायित्व बनता है कि ये लोगों को जो है पानी मुहैया करवाएं।